राजद के बिहार बंद के दौरान 3 घंटे तक रण क्षेत्र बन गया था फुलवारी शरीफ। यहाँ टमटम पड़ाव के पास संगत मोहल्ले में प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों ने राजद के प्रदर्शनकारियों पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद 2 गुटों में जमकर हिंसक झड़प हुई। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। पथराव में पुलिसकर्मी के जवान का भी सर फट गया। हालात को संभालने के लिए पटना के डीएम कुमार रवि, एसएसपी गरिमा मलिक, एसडीएम सहित कई थानों की पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स व्रज वाहन के साथ पहुंचे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा। इसके बाद भी हंगामा जारी रहा। तब प्रशासन ने दर्जनों राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद प्रशासन ने वाटर कैनन का प्रयोग कर पानी की बौछार किया। पुलिस अधिकारियों की मुस्तैदी से हालात को काबू में कर लिया गया है। और बता दें आपको कि अभी पटना फुलवारी मुख्य मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से करा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से हर प्रमुख चौक चौराहे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। कहीं स्थिति बिल्कुल अभी नियंत्रण में है, सामान्य है, शांतिपूर्ण है और पूरी तरह से यहाँ पर नज़र रखी जा रही है। प्रशासन के द्वारा पर्याप्त संख्या में बल और दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। लोगों से यह अपेक्षा की जाती है, अपील की जाती है कि अफवाह में नहीं पड़े। किसी भी तरह की सूचना अगर आती है तो तुरंत ही प्रशासन को सूचित करें।